और आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि पिछले 26 अगस्त 2022 को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में समीक्षा बैठक की थी। इसी में जो उन्होंने निर्देश दिए थे उनके अनुपालन के अनुसार आख्या ली गई है। उन्होंने यह भी कहा कि 2017 से पहले प्रदेश के 75 जिले अपराधियों का अड्डा बने रहते थे, लेकिन आज योगी सरकार ने अपराधियों को खत्म करने का बीड़ा उठा रखा है, जिसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने गाजियाबाद जिले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि गाजियाबाद की जनता भाजपा को पूरी तरह से अपना समर्थन देती है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार द्वारा गाजियाबाद के लिए सरकार का खजाना खोल दिया गया है। समीक्षा बैठक में असमय वर्षा के कारण जो किसानों को नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी सर्वे कराकर उसको पूरा करने के लिए कहा गया है। आवारा पशुओं को भी आश्रित करने का कार्य किया गया है और हमने सड़कों पर कहीं आवारा के रूप में घूमने की स्थिति भी ना बने, इसके लिए बृहद गौशाला और निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल इसका निर्माण कराने का काम भी किया गया है। जनपद में जो भी चारागाह की जमीन है, जो किसी सरोवर की तालाब की जमीन है, कोई चकमार्ग है, अन्य कोई सरकारी योजना की भूमि है, उसको चिन्हित करके उसको नाप करा करके उसी दृष्टि से उपयोग हो, इसके भी निर्देश दिए गए हैं।